फाइनली बच्चों, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज इस चैनल पे चल रहा है। इस चैनल को भूलकर भी मतलब ये मत समझिए कि छोड़कर चले जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाना है तो। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। आप लोग एग्जाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा मैं एक्टिव हूँ, ठीक है। आप लोग का एग्जाम में इस बार फोड़ना है तो फोड़ना है, और पल पल की अपडेट दी जाती है नवोदय से रिलेटेड कुछ भी अपडेट हो, ठीक है। तो मतलब हाँ, सबसे पहले दी जाती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कि स्टार्ट करते हैं। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले रखा है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। देखिए 1 से 20 तक की संख्याओं का योगफल होगा क्या होगा। देखिए सबसे पहले योगफल का मतलब समझ लीजिए बच्चों, योगफल का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, यानी कि इकट्ठा कर देना, ठीक है, यानी कि प्लस कर दीजिए। छोटे क्लास में जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़े ही होंगे, तो आप लोग को प्लस कर देना है। कैसे करना है? ऐसे करना है, 1+2+3 प्लस ऐसे करके आए कहाँ तक, 19 तक। बट आप लोग ऐसे मत कीजिएगा, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग गलत भी कर देंगे। इसका ट्रिक जानिए। ट्रिक क्या है बच्चों, मैं ओनली इस चैनल पर ट्रिक बताता हूँ, तो आप लोग भूल कर भी इस चैनल को छोड़िएगा मत। अधिक अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये 19 है जो ना, लास्ट में 19 लिख लीजिए, गुणे का 20 लिख लीजिए, बट्टे का 2 कर दीजिए, 2 से कट बन जाए 10 बार में, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे तो ये 9 तो 19 उतरेगा, 1 0 यहाँ पर चला आएगा। यानी सिंपल ट्रिक जानिए गुणा करने का, ठीक है। 190 आप लोगों का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योगफल होगा। देखिए बच्चों सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या कहते किसे हैं। पूर्ण संख्या देखिए, अगर यदि हम लोग प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में क्या करें, यदि हम लोग प्राकृतिक संख्या में 0 1 बढ़ा दें, 0 बढ़ा दें तो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए इसी को हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे। बट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फटाफट ऐसे करेंगे 1+2+3+4+5, ठीक है, और फट से इसको क्या करेंगे, जोड़ का फट लिख देंगे, ठीक है। बट ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा। ये पूर्ण संख्या बोला है, पूर्ण संख्या में 0 को भी लेना है, ठीक है, 0 को भी लेना है, तो ऐसे आप लोग को लिखना पड़ेगा 0, 1, 2, 3 and 4। ये 4 ही तक जाएगा। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 को हो गया ना। अब सिंपली कुछ नहीं करना है बच्चों। देखिए ये 4 जो है ना, 4 वाला लास्ट वाला डिजिट लीजिए और गुणे कर दीजिए, बटे का 2 कर दीजिए। 4 गुणे अगला संख्या 5, तो 5 से गुणा बटे का 2, तो ये कट जाएगा ये 2 बार में, ये आ जाएगा आप लोग का 10, ठीक है। ये आप लोग का राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये देखिए 10 की यहाँ पर भी नंबर राइट आंसर, ठीक है। इस वीडियो में देखिए यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1 से 20 के बीच सभी सम स्थिर संख्याओं का फल क्या होगा। देखिए बच्चों 1 से 20 तक, ठीक है, 1 से 20 तक, एक तक होता है और एक 1 से 20 के बीच बीच होता है। तो देखिए तक में आप लोग क्या करेंगे, तक में 20 को भी लेंगे, 1 को भी लेंगे, लेकिन बीच का मतलब इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो आप लोग इसके बीच वाले संख्या को ही लेंगे, तो यहाँ पर क्या बोला है, बीच बोला है, तो इसलिए आप लोग को 20 को नहीं लेना है। तो कहाँ से लेना है, 1 को नहीं लेना है ना ही 20 को, तो 2 लेना है एंड 4 लेना है एंड 6 एंड 8 एंड 10 एंड आप लोग का 12 एंड 14 एंड 16 एंड 18, ठीक है। 20 को आप लोग को नहीं लेना है, 20 आप लोग का सम संख्या है, बट आप लोग को 20 को नहीं लेना है। देखिए बच्चों अब इसको ऐड करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, सिंपली कुछ नहीं कीजिए, काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 है ना। तो 9 गुणे आप लोग को सिंपली 10 कर दीजिए। ये आप लोग का मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अगला संख्या में क्या करना है, गुणा बताना, गुणा करना है, तो 9 × 5 = 90। ये आप लोग का राइट आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, 90 भी नंबर राइट आंसर। आप लोग जोड़कर ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग काफ़ी ईजी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आज जान लीजिए, ठीक है, आज जान लीजिए किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या जो एक एंड स्वयं से कटे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 2 है 3 है 5 है 7 है एंड 11 एंड 13, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे छोटी ये है, 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 हो जाएगी, तो आप लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 2 नंबर आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग काफी इजी है। कह रहा है 67 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए जो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। देखिए बच्चों कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए मैं 10 ले लेता हूं, ठीक है। 10 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए जो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। 10 में कोई एक संख्या जोड़ना है, ठीक है, क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, तो जोड़ना है, यही इस वाले स्थान का हमको मान बताना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 × 9, ठीक है, ये 3 बार में गया, 3 × 9 हाथ में आया 1, हासिल में आया 1, ठीक है।
यदि हम लोग क्या करें, ऐसे आप लोग को दिख रहा होगा कि 10 में अगर जो हम लोग प्लस का 2 कर देते हैं तो ये आप लोग का आसानी से क्या होगा 12 मिलेगा, और 12 आसानी से क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग का डिवाइड हो जाएगा तो 12 आप लोग का यानी कि 2 नंबर आप लोग का राइट आंसर हो गया। 2 कहीं भी दिखेगा तो राइट आंसर हो जाएगा। बट बड़ा संख्या आप लोग को ढूंढना है, बड़ा संख्या देखिए कैसे कर दिया है। तो देखिए 3 से डिवाइड कीजिए तो 9, एक जो ये शेष बचा है तो इसमें से यदि हम लोग इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा दें, जैसे 3 माइनस का 1 कर दें, ठीक है, तो 2 मिला तो हम लोग का राइट आंसर मिल जाएगा। यदि इसी 2 को हम लोग क्या करें 10 में जोड़ दें, 10 में क्या करें जोड़ दें तो हम लोग को क्या मिलेगा 12 मिलेगा। ये जो 12 मिलेगा वो 3 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही इसको कीजिए। क्या किया है मैंने, सबसे पहले डिवाइड किए हैं और जितना शेष आया है शेष को भाजक में से घटा दिए हैं। 67 3 से डिवाइड करना है, 3 दुना में 6, ये कट गया। 7 उतरा, 3 दुना में 6। ठीक है, ये देखिए आप लोग का एक शेष बचा है। ठीक, यदि हम लोग एक इस एक शेष को मैं इसमें से क्या करूँ घटा दूँ तो 3 माइनस 1 कर दीजिए, ठीक है, तो हम लोग का 2 मिला। यदि इसी 2 को मैं इसमें जोड़ दूँ, ठीक है, जैसे 6 67 2 इक्वल टू 60 59 59, ठीक है, तो आप लोग यदि इसको डिवाइड करेंगे अब जैसे 6 9 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दुना में 6 कटा, 9 उतरा, 3 3 9, ठीक है, ये कटा, यानी कि 23 मिल गया। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है कि 2 हम लोग जोड़ रहे हैं तो ये पूर्ण रूप से कट भी जा रहा है। ये इतना ही कम है, इसमें इतना ही कितना कम है 2 ही कम है, तो ये कटने नहीं दे रहा है, तो 2 जोड़ देंगे तो सिंपली ये कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का काफ़ी ईजी है बच्चों। ठीक है, देखिए प्रथम 8 विषम संख्याओं का योगफल होगा। देखिए विषम बोला है, एक मिनट समझ लीजिएगा, विषम सम एंड प्राकृतिक छोड़ कर जाइएगा मत, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ। सम विषम सम प्राकृतिक एंड आप लोग क्या है और क्या है भाज्य है अभाज्य है, अभाज्य भाज्य के लिए तो कोई ट्रिक है नहीं। ठीक है, सिंपली यही 2 ट्रिक है। ठीक है, तो देखिए सिंपली क्या कीजिएगा, जब भी विषम संख्या बोले क्या करना है वर्ग करना है, जिस संख्या का बोलेगा उस संख्या का वर्ग करना है। जैसे यहाँ पर किसका बोला है 8 बोला है तो 8 का वर्ग कर देना है। ठीक है, तो ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यही अगर बोल दे प्रथम 8 सम संख्याओं का योगफल तो आप लोग को 8 × 9 करना है, अगला संख्या में गुणा करना है, तो 8 9 72। ठीक है, ये सम संख्या के लिए है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या के लिए बोल दे तो 8 × 9 करके बट्टे का 2 करना है, तो ये देखिए 9 × 4 36। ठीक है, ये आप लोग का मिला। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब मैंने किया ही क्या, कुछ नहीं किया है, सब विषम संख्या के लिए वर्ग करने के लिए ट्रिक बताया है, सम संख्या के लिए अगला संख्या में गुणा, तो आप लोग वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग करेंगे 8 का तो 8 × 64, तो ये डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए बच्चों आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की, जो कि काफी बेस्ट बुक है। इस बुक से आप काफी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसमें देखिए 2011 से लेकर 2022 तक जो जो पेपर हुए हैं उन सभी पेपर का हॉल प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, और न्यू सिलेबस पर आधारित जो आपका पैटर्न है उस पे आप लोग का सिलेबस देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से आप लोग बाय कर सकते हैं। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 9 से विभाजित हो जाए, तो सबसे पहले 3 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखकर 2 को 0। ठीक है, ये आप लोग का 3 अंकों की छोटी संख्या हो गया। अब एक क्या कर रहा है, 9 से डिवाइड हो जाए पूर्ण रूप से, क्या संख्या जोड़ी जाए, कौन सी छोटी से छोटी, 3 अंकों की छोटी संख्या बताना है, कोई ऐसा 3 अंकों की छोटी संख्या बताना है ना जो आप लोग का 9 से पूर्ण रूप से कट जाए। तो देखिए 9 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 अंकों की छोटी संख्या 100 है बट ये कटेगा नहीं, तो कटेगा नहीं तो क्या करेंगे भाई साहब, आगे क्या करेंगे समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 9 से कट किया एक बार में तो एक बार में गया बट यहाँ पर एक शेष मिला है। ठीक है, 0 उतारा तो एक बार में गया, ठीक है, बट एक शेष मिला है। यदि एक शेष जो ये मिला है, एक शेष ये जो मिला है, ठीक है, ये तो इसमें है ही और इसमें कितना कम है, तो इसमें से इसमें घटा लेंगे तो 8 मिला, 8 और इसमें रहता तो ये आसानी से 9 से पूर्ण रूप से कट जाता। जैसे मान लीजिए 108, ठीक है, 108 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 9 9 1 8 9 2 9 18, ठीक है, कटा ना, यानी कि सिंपल सबसे छोटी आप लोग का ये 108 मिला है। ठीक है, 108 मिला है, कैसे मिला है, सबसे पहले एक शेष जो मिला है एक शेष को इसमें से घटा दीजिए तो 8 मिला है, इसी 8 को 100 में जोड़ देना है। ठीक है, तो आप लोग का राइट आंसर मिल गया, काफ़ी ईजी है। 100 देखिए 108 किया कहाँ पर है, तो देखिए कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो ये आप लोग 8 जोड़ रहे हैं, 8 जोड़ रहे हैं तो 8 यहाँ पर देखिए कहाँ पर है ऑप्शन में, तो ये डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 300 तक कुल कितनी संख्या है जो 5 और 8 दोनों से कट जाए। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है एंड मेरा मुंह भी दुख गया है, तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर करा दूंगा। ठीक है।